वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खुशबाश शादाब अपने घरों में ठीक ठाक होंगे। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बड़ा ही मज़े का एक पैनल है, रोज़ी पैनल जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। और ये जो पैनल, इसकी खूबी ये है कि आप इसको किसी भी गारमेंट के किसी भी पार्ट में इसको ईजिली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप स्लीव में ऐड कर सकते हैं, आप बॉडी में ऐड कर सकते हैं, आप अपने जो बैले पॉइंट है यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, हेम हिप कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं। बट उसके लिए पहले मेक श्योर ज़रूरी है कि आपके पास उस पार्ट का एक सिंगल पैनल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसे ये जो पैनल है, ये मैं आपको अपने बॉडी की जो मेरी अपर चेस्ट का मेरा अपर पार्ट है वहाँ पे मैं आपको ये ऐड करना सिखाऊंगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसका जो सिंपल जो बॉडीज ब्लॉक है वो निकाल लूँगी। तो ये आप देख रहे हैं कि मैंने मैनिकन के ऊपर ऑलरेडी एक पैनल लगाया हुआ है। सो ये मेरा सिंपल बॉडीज ही जिस तरह मैंने ड्रेप किया था, मेरी आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं, मैंने आपको बहुत डिटेलिंग में बेसिक बॉडीज ब्लॉक ड्रेप करना सिखाया है, ठीक है। बस यहाँ पे मैंने ये किया है कि जो मेरा ये वाला सेंटर फ्रंट है ना, यहाँ पे मैंने इसको डबल कर लिया, मतलब मैं इसको बस खोल दूँगी। तो इसको मैंने एज इट इज़ ऐसे ही अपनी जो मेरे रिबन है, मतलब जो मेरी मैनिकन की ये जो रिबन है उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको लगा लिया है। मतलब शोल्डर, सेंटर फ्रंट, डार्ट को मैंने, जो मेरी डार्ट लाइन है उसको मैंने सिक्योर किया है। और उसके बाद फर्दर मैं अपनी वेस्ट और साइड सिंक पे गई, ठीक है। अब मैं इसके बॉडीज है उसको मैंने ट्रेप कर लिया, ठीक है। इसकी मैंने डार्ट लाइन बंद कर दी है, मैंने अंदर पिनिंग कर दी मैंने इसके लिए। अच्छा, मैं यहाँ पे ना एक एरिया डिसाइड करूँगी कि मैंने वो रोज़ी पैनल देना का यहाँ पे, ठीक है। तो मैं चाह रही हूँ कि जो मेरा रोज़ी पैनल है वो मेरी जो मेरी है यहाँ से मेरी आर्म होल लाइन से निकले, ठीक है। आप चाहें तो नीचे रिबन लगा सकते हैं या जिस तरह आपको बेहतर लगता है, तो इस तरह से आप एक लाइन या एक एरिया डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। और जो मेरा यहाँ से शोल्डर के एज पे ख़त्म होगा, आई होप सो ये वीडियो में आपको लाइन नज़र आ रही हो। ओके गाइस, तो मैंने एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है, जो मेरा जो रोज़ी पैनल होगा वो मेरे बस्ट से थोड़ा सा ऊपर आएगा। तो अब मैं इसको, मैंने लाइन लगा ली है। अब देख रहे हैं कि मैंने लाइन ड्रॉ करके बॉडीज़ को उतार ली है। अब मैं इस लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको कटिंग कर लूँगी, ठीक है। फिर हम लोग फर्दर करेंगे, लाइन के अकॉर्डिंग हमने इसको कट कर लेना। अब जो मेरा इनर एरिया, इसको ज़रा मैं साइड पर रख दूंगी और जो मेरा अपर एरिया है मैं ज़रा इस पर वर्किंग करूंगी, ठीक है। अच्छा गाइस, आप देख रहे हैं कि जो मेरा ये पैनल है ये मैंने अलग-अलग कर लिया। अब मैं चाह रही हूँ कि जो मेरा रोज़ी पैनल, बेसिकली जो रोज़ होता है ना हमारा, उसका एक सेंटर में एक एज होता है जहाँ से उसके मतलब पेटल्स निकल रही होती है, ठीक है। अब आपने वो एरिया डिसाइड करना। तो ये एरिया मेरा कम है, यहाँ पे मैं यहाँ पे देना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे मैं एक सर्कल लगाऊंगी कि जो मेरा रोज़ी का जो एज है जहाँ से मेरे पेटल शो होंगे वहाँ वो ये वाला एरिया, ठीक है। आप कोई भी एरिया ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक सर्कल बना रही हूँ, ठीक हो गया। अब इस सर्कल के ऊपर मैंने अपना एक फैब्रिक लेना है, ठीक है। मतलब मैं मीटर के करीब फैब्रिक यूज़ करूँगी। अब मैंने क्या करना है कि मैंने इसको बिल्कुल बराबर रख के इसके अकॉर्डिंग, अब जो मैं यहाँ पे सर्कल को दोबारा ड्रा कर लेती हूँ। अब गाइस, जो मैंने ये सर्कल दोबारा इस फैब्रिक पे ड्रा कर लिया, मैं क्या करूँगी कि मैं यहाँ ये जो सर्कल है ना इसको स्टिच कर दूँगी, ठीक है। मतलब यहाँ पर मुझे स्टिच लाइन, जो स्टिच मैंने लगा दिया, मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे एक होल करूँगी, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पे कट लगाऊंगी, फिर मुझे ये जो मेरा
चलो कट लगा दिया। अब जो मेरा ये वाला फैब्रिक है ना, ये मैंने यहाँ से इसको बाहर लाना है, ठीक है। ओके वाचो, तो आप देख रहे हैं कि मैंने पैनल को स्टिच करके उसको सीधा कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे काम करूँगी कि जो मेरा ये वाला पैनल है ना, नीचे वाला जो ट्रू पैनल है, मैं उसको ज़रा, ये मेरे पास जो पिनिंग है, मतलब जो मेरी है बोर्ड पिनिंग, ये इसके साथ मैं उसको अटैच कर लूँगी। मतलब ये अटैच करने का ये है पर्पस कि ये जो पैनल है ना, ये हिलना नहीं चाहिए। ओके गाइस, तो मैंने पैनल, नीचे वाला जो पैनल है मेरा, इसको मैंने सिक्योर कर दिया है। अब हम यहाँ पे एक टेक्निक करेंगे, वो ये होगी, सर्कल से आपने इसको पकड़े रखना है और जो ऊपर वाला पैनल है ना आपका, आपने उसको घुमाते जाना है, ठीक है। आपने इसको तब तक ऐसे रैप करना है जब तक के अच्छी सी कर्व ना आ जाए। इनफ। ओके, तो मैं क्या करूँगी कि अपने ये जो मेरा ऊपर वाला पैनल है, इसको मैं नीचे वाले पैनल के साथ पिनिंग कर दूँगी, ठीक है। नीचे वाले पैनल जो मेरा टू पैनल, उसके साथ मैंने इसको पिन। आप देख रहे हैं कि मैंने पैनल को पिनिंग कर लिया इसके साथ। अब मैं क्या करूंगी कि मैं अब उल्टा करके गाइस, अब मैं यहाँ पे स्टिच लगाऊंगी मशीन के साथ, ठीक है, या आप हैंड से जिस तरह आपको जितना लगता है आप स्टिच लगा लें। आप देख रहे हैं कि मैंने रोजी पैनल किस तरह निकाल लिया है। अब जो मेरा लोअर पार्ट है, मैं इसके साथ इसको अटैच कर दूंगी। मैनिक्विन पे लगा के आपको दिखाते हैं। ओके बाजू, आप देख रहे हैं कि मैंने रोजी पैनल को अपने पहले इनर के साथ अटैच किया, फिर उसके बाद मैंने इसको मैनिक्विन पे लगा के आपको कहा कि फाइनल लुक दिखा दूं। सो वॉचर्स, ये इसकी फाइनल लुक है। ये खूबसूरत सा पैनल आप कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं, अपने गारमेंट के किसी भी पैनल, किसी भी पार्ट में ऐड कर सकते हैं। आप चाहे इसको स्लीव में ऐड कर दें, आप चाहे इसको अपने यहाँ पे ऐड कर दें, आप चाहे इसको अपनी हिप वगैरह जहाँ पे भी आपको अच्छा लगता है। आप अगर सिंपल कोई सूट पहन रहे हैं अपना, मतलब वहाँ पे आप इसको अटैच कर सकते हैं। बड़ा ही मज़े का पैनल है, बड़ा ही डिसेंट सी लुक देता है, और आई होप सो आपको पसंद आया होगा। सो गाइज, मिल लेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।